थाने के समृद्धि हाईवे पर गर्डर मशीन गिरने से 17 मजदूरों की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में सरलांबे गांव में मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे के तीसरे चरण के काम दौरान गर्डर लॉन्चिंग मशीन और क्रेन गिरने से 17 मजदूरों की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 मजदूर घायल हुए हैं। सभी को शासकीय अस्पताल कलवा से मुंबई के सायन अस्पताल शिफ्ट किया गया है। घायलों की हालत चिंताजनक बताई गई है। एनडीआरएफ की टीम अभी भी मलबे को खंगाल रही है। सभी शव शाहपुर जिला अस्पताल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित प्रत्येक परिजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। शिंदे ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। हादसे की उच्च स्तरीय जाँच होगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लोक निर्माण मंत्री दादा भूसे ने कहा है कि समृद्धि हाईवे पर दिन रात काम हो रहा है। रात को समृद्धि राजमार्ग पुल पर गार्डर बिछाए जा रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। इस काम में सिंगापुर की कंपनी का अत्याधुनिक लॉन्चर का उपयोग किया जा रहा है। इन लॉन्चरों ने 98 स्टैंड पूरे कर लिए हैं। यहां दूसरे राज्यों के अधिकांश मजदूर काम कर रहे हैं। मृतकों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के लोग शामिल हैं। 13 मृतकों की पहचान अरविंद उपाध्याय, गणेश रॉय, ललन राजभर, परमेश्वर साहनी, राजेश शर्मा, संतोष जैन, राधेश्याम यादव, आनंद यादव, पप्पू कुमार, बिहार कन्नन, सुब्रत सरकार, सुरेंद्र पासवान, बलराम सरकार के रूप में हुई है। 4 की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है।